को जितनी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, आलमी क्रिकेट की बात कर रहा हूं, लीग फेस्टिवल की नहीं, उसमें ज्यादातर रोल रिजवान की। अब टाइम आ गया कि रिजवान ड्रॉप बैक टू जो पोजीशन उनकी थी, छह पांचवे छठे नंबर पे जब वो आते थे, नहीं वो टी20 क्रिकेट में आपको चांस लेंगे साथ में, नहीं टी20 क्रिकेट में अगर रिजवान 6-7 पर जाएगा तो उससे बेहतर बहुत ऑप्शन मौजूद है बॉस आपके पास। तो ओपन अभी एक बात बताएं, मोहम्मद हारिस अगर फर्ज करें, मैं अभी आजम खान पर जा ही नहीं रहा, जो खेला नहीं है उसकी बात ही नहीं करते, मोहम्मद हारिस अगर पाकिस्तान की टी20 टीम में मौजूद है और आपको भरोसा है, आपने वर्ल्ड कप में ग्लिम्स देख लिया कि वो 40 भी करता है, इम्पैक्ट आता है, उन रन्स का इम्पैक्ट है, जीत है उसके रन्स में, समझिएगा बात को, जीत है उसके रन्स में, बड़े बोलर को भी मार देता है वो, ठीक है। तो व्हाई नॉट कि आप हारिस को टी20 में लाएं और रिजवान को महदूद करें यार वनडे क्रिकेट में, मतलब ये क्रिकेट है पाकिस्तान की, टी20 में मतलब आप कोई इमाद वसीम की टीम के बोलर थोड़ी देंगे उसको हर दफा के बेटा सेंचुरी मार दो, वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत चलाक बोलर है, दुनिया को पता चल गया कि इसको पांचवे स्टंप पे नीचे बॉले करो, इसके पास कोई स्ट्रोक। अच्छा अभी आपने